कुकिंग दिल से मैं आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हो? बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज हम चने, काले चने की एकदम नई रेसिपी लेके आए हैं, एकदम नए तरीके से बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है और इतनी टेस्टी बनती है कि अगर एक बार ही बना लिया तो हर बार ही पसंद करेंगे फ्रेंड्स इसी तरीके से काले चने को बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने फ्रेंड्स 1 कप चना लिया है और इसे मैंने भिगाया नहीं है, ऐसे ही सूखा ही लिया है। तो अब हमें क्या करना है, इस चने को हम अच्छे से वॉश कर लेते हैं। और फ्रेंड्स हमने ये चने को वॉश कर लिया है और देखिए बढ़िया से वॉश कर लिया है। अब इसी तरह से हम इस चने को हमें पीस लेना है। मिक्सी में मैं इस चने को डाल ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने 1 कप चना लिया है, आप चाहे तो आधा कप ले सकते हैं, क्योंकि 1 कप में मैं थोड़ा सा मिक्सचर बचा के रखूँगी। तो मैंने 1 कप लिया है, आप आधा कप से भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस मिक्सचर को मिक्सी में अच्छे से मैंने पीस लिया है और देखिए कितने बढ़िया से एकदम दरदरा सा है। आपको इसका जो पाउडर है मिलेगा, एकदम गीला नहीं है, जबकि हमने अच्छे से चने को धो लिया था। और देखिए एकदम दरदरा है, बहुत फाइन पेस्ट पाउडर नहीं बनाना है। तो आप इसे इसी तरह से दरदरा पीस लीजिए और इसे अच्छे से थोड़ा मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि जो हमने थोड़ा सा धोया था थोड़ा सा मॉइस्चर से गांठे बन गई हैं। अब फ्रेंड्स इसके अंदर 2 चम्मच बड़े चम्मच मैं चटनी डाल रही हूँ। चटनी के अंदर हरा धनिया, अदरक, लहसुन, ये चीज़ें हैं, टमाटर, जो भी मतलब हम जिस तरह से चटनी बनाते हैं सारी चीज़ें इसमें हैं। तो अब इसको हम अच्छे से इसका पेस्ट बनाएंगे फ्रेंड्स। तो इसको मैं पानी से थोड़ा थोड़ा डाल के करना है, इकट्ठा पानी नहीं डालना है फ्रेंड्स। इस पेस्ट को बनाने के लिए हमें जो है 2-2.5 कप पानी की ज़रूरत होगी। 2.5 कप पानी लगेगा और ये अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है फ्रेंड्स और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। तो इतने में लगाने के लिए 2.5 कप पानी डालिएगा। तो 1 छोटी चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डाल दे रहे हैं, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दे रहे हैं और साथ में 1 छोटी चम्मच हम जीरा पाउडर डालेंगे और 1/4 चम्मच इसमें हम काली मिर्च पाउडर डाल लेंगे फ्रेंड्स। इससे जो टेस्ट है काफ़ी अच्छा आएगा, बहुत बढ़िया सा इसमें टेस्ट आता है, एकदम चटपटा सा करारा जो टेस्ट आता है काली मिर्च से आता है। और 1 छोटी चम्मच हम इसमें अजवाइन क्रश करके डाल लेंगे, बहुत ही टेस्टी इससे लगता है और पेट के लिए भी अच्छा होता है फ्रेंड्स। इसके अंदर नमक डाल लेना है थोड़ा सा और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको शेप बता देती हूँ, अपने हिसाब से जैसा भी आपको शेप चाहिए उस तरह से बना लीजिए। मैं इस तरह से गोल गोल बना रही हूँ तो इसी तरह से बनाऊंगी। उससे आधे घंटे के लिए हम रेस्ट पे छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स आधा घंटा हो चुका है और इसको अच्छे से ये फूल गया है, जिसे कहते हैं अच्छे से ये बढ़िया सा पेस्ट बन गया है। अब चलते हैं, कढ़ाई चढ़ा देते हैं मीडियम फ्लेम पे और 2 चम्मच इसमें सरसों का तेल डाल लेना है। जब तेल गर्म हो गया है अब इसमें अपने जो उसी शेप के बना बना के हम इसके अंदर कढ़ाई में डाल लेंगे और बहुत कम तेल में भाप में पकाएंगे। और जो गैस का फ्लेम है उसको सिम पे रखिएगा, हमें इसको तेज फ्लेम पे नहीं बनाना है। और सारे बना लिए हैं, अब इसको अच्छे से जो कढ़ाई है हम टेढ़ा कर देंगे, जो तेल है कढ़ाई के चारों तरफ अच्छे से एक बारी फैल जाए, एक कोटिंग जो है तेल की अच्छे से चारों तरफ इसके अंदर लग जाएगी। तो ये जो हमारे हैं, जो हमने ये पकोड़े बनाए हैं, ये जलेंगे नहीं। और आप इसे डीप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन डीप फ्राई का टेस्ट एकदम डिफरेंट होता है फ्रेंड्स। इसे अब ढक देते हैं, 3-4 मिनट तक हम इसको सिम आंच पे ही पकाएंगे। और 4-5 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स और पकोड़े देखिए एकदम अच्छे से हार्ड हो गए हैं। तो पहले हम बीच वाले फ्रेंड्स जो तेल के साथ बीच में है उसे इस तरह से एक एक करके स्पून की सहायता से हटाएंगे आराम से और उसे पीछे रखते जाएंगे, कढ़ाई के कोने में रखते जाएंगे। और इसी तरह से सारे हमें कर लेने हैं, ये एकदम इजीली छूट जाएंगे, अब हार्ड हो चुके हैं, काफ़ी पक चुके हैं। तो इसी तरह से हमें सारे छुड़ा लेने हैं। देखिए फ्रेंड्स मैंने सारे इस तरह से हटा लिए हैं और इसे थोड़ा सा अलट पलट के अच्छे से थोड़ा सा इसे पका लेंगे 2 मिनट के लिए और बढ़िया से ये तैयार हो गया। इसे हम उतार लेते हैं। अब देखिए जो फ्रेंड्स मैंने कहा था थोड़े से मिक्सचर में बचाऊंगी, इसलिए मैंने 1 कप रखा है, थोड़ा सा बचा लिया है। तो अब कढ़ाई हम चढ़ा लेते हैं ग्रेवी बनाने के लिए। इसमें 3 चम्मच हम सरसों का तेल डाल लेते हैं, उसे गर्म हो जाने देते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है तो हमने तेज पत्ता डाल लिया है, 2 दालचीनी, 2 लौंग डाल ली है और इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा डाल लेना है। और इसे अच्छे से तेल में मिला देते हैं फ्रेंड्स और इसे हमें एकदम जीरा को एकदम क्रैक कर लेना है, लाल कर लेना है। और 3 मीडियम साइज के मैं इसमें प्याज एकदम पेस्ट किया हुआ मिक्सी में वो डाल रही हूँ, बढ़िया से इसे हमें एकदम ब्राउन कर लेना है।
तो इसमें 5-6 मिनट लगेंगे फ्रेंड्स। 5-6 मिनट हो गए हैं और देखिए प्याज जो है बहुत अच्छे से ब्राउन हो गया है। इसमें फ्रेंड्स हमें टमाटर, लहसुन और इसके अंदर अदरक का पेस्ट मैं डाल रही हूँ। इसमें अदरक 2 इंच का है और लहसुन की 8 कलियाँ हैं और 3 मीडियम साइज के टमाटर हैं। इसे भी अच्छे से हमें एकदम ब्राउन होने तक भून लेना है। एकदम पानी इसका सूख जाए और तेल छोड़ने लगे तब तक हमें इस स्टेज तक इसे भूनना है फ्रेंड्स। और देखिए अब इसमें हम नमक डाल देते हैं। नमक डालने से थोड़ा सा बहुत जल्दी से अच्छे से ये ना भून जाएगा। 5-6 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स। अब मसाले डाल लेते हैं। 1 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालना है और 2 चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच हम गरम मसाला पाउडर डालेंगे फ्रेंड्स इसमें। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और हींग डाल देंगे फ्रेंड्स। जो चने में हींग डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो मैंने इसमें 2 पिंच हींग डाला है और थोड़ा सा पानी डाल दिया है। मसाले को अच्छे से हमें भून लेना है एकदम ब्राउन होने तक। इसमें 4-5 मिनट लगेंगे अच्छे से भूनना। बढ़िया हम मसाले को भूनेंगे जो हमारी ग्रेवी है उतनी ही बढ़िया बनेगी। इसलिए मसाले को हमेशा बहुत अच्छे से भूनिए फ्रेंड्स। देखिए मसाला हमारा एकदम स्टेज तक पहुंच गया है, अच्छे से तेल छोड़ने लग गया है, बहुत बढ़िया से पक गया है फ्रेंड्स। इसमें हम डाल लेंगे जितना आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल लीजिए। तो इसमें हम तो 3 कप पानी डाल रहे हैं। इसमें ग्रेवी थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो ये हमने चने के जो पकोड़े बनाए हैं इतने टेस्टी से जो बनाए हैं ये थोड़ा सा पानी एकदम सोखते हैं तो तरी जो है कम हो जाएगी। ग्रेवी में हमें थोड़ा ज़्यादा पानी डालना है तभी हमारे लिए ग्रेवी बच पाएगी, नहीं तो वो सारे सोख लेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा हमें इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालना है। तो ये इसको 5-6 मिनट तक हम बॉयल होने देंगे फ्रेंड्स। तो जब तक मैं ये बॉईल होना शुरू होता है फ्रेंड्स मैं एक और तरीका बना रही हूँ। अगर आपको कढ़ाई में वो पकोड़े उस तरह से नहीं बनाने हैं तो इस तरह से जाली रख के आप इस पर पकौड़े बना छोटे छोटे बना के डाल दीजिए और इसे किसी बर्तन से ढक दीजिए और भाप से जब ये तरी जो है ये जो ग्रेवी है बॉईल होगी उसकी भाप से वो अच्छे से पक जाएगा। तो आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। ये दूसरा तरीका है, इसे ढक देते हैं, 5-6 मिनट बॉयल होने देते हैं। 5-6 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स और देखिए ग्रेवी बहुत अच्छे से हमारी बॉईल हो गई है। तो अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसी के अंदर जो हमने अपने मिक्सचर से जो हमने वो पकौड़े बनाए हैं चने के वो हम सारे धीरे धीरे एक एक करके सारे इसमें डाल देंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रही थी कि फ्राई करते हैं उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है, लेकिन जो इस तरह से भाप में थोड़े से तेल में धीरे धीरे पकाते हैं सिम करके दानेदार इसकी सब्जी की जो टेस्ट आता है ना, जो ये पकोड़े हैं दानेदार से ग्रेवी में जब हम खाते हैं चावल से रोटी से बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि कढ़ाई में इस तरह से कढ़ाई थोड़ा सा आप हैवी कढ़ाई लीजिएगा उसमें इस तरह से भाप में पकाइएगा। तो इसको 2-3 मिनट तक और बॉईल होने देते हैं फ्रेंड्स। जब सब देखिए जो ग्रेवी है बहुत अच्छे से बॉईल हो गई है और सब्जी हमारी बहुत अच्छे से बन चुकी है और कितना अच्छा सा खुशबू आ रहा है और कलर देखिए कितना अच्छा है। तो सब्जी आप इसे चावल से खाएं, रोटी से खाएं, कैसे भी खाएं बहुत ही टेस्टी लगती है। और इस चने की इस नए तरीके की सब्जी हमने जो बनाई है आप अगर एक बार ही बनाएंगे तो आपको मन करेगा बार बार में बनाने का। तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो फ्रेंड्स जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नए तरह की रेसिपी की वीडियो बनाती रहूं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।